वॉकी टॉकी कनेक्शन से प्लीज आपको दूर रहना है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त मोहम्मद अली, फैयाज शेख के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। पहली गेंद खेल दिया गेंद को स्टैंड में, 6 रन। मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, क्या शॉट खेला है और क्या ये जवाबी हमला फैयाज शेख का। आइए देखते हैं, ये देखिए सीधा ओवर पिच गेंद को उछाल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, दर्शकों में 6 रन। हालांकि लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी था, 6 रन से खाता खुला फैयाज शेख का, खाता खुला मुक्ता वॉरियर का, 6 रन बिना किसी विकेट के। जुनून है मुंबड़ा प्रीमियर लीग का, पैक क्राउड आप देख रहे हैं। इस दौर तबाही में मुश्किल है संभल जाना, तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी ना बदल जाना, और इस रात की कीमत का अंदाजा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। वाइड, ये तारीखी रात मुंबड़ा के इतिहास में, तारीख में सुनहरे हरफों से लिखी जाएंगी। 7 पे पहुंचा स्कोर। हमारे बीच फराज आजमी साहब हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मेरे काबिल दोस्त अंपायर शानू कुरेशी, आपका भी इस्तकबाल है। देखिए ड्रोन कैमरे से दिखाया जा रहा है, ओ हो हो, अद्भुत नज़ारा, आंखों में डूब जाए एनएसटी का ड्रोन कैंप। ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये ड्रोन कैमरे से दिखाया जा रहा है अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है, फ्लड टावर को देखिए, इंटरनेशनल फ्लड टावर को दिखाया जा रहा है। और ये दर्शकों को देखिए, कहीं भी इस वक्त मैदान में तीर रखने की जगह नहीं। इसका सारा क्रेडिट जाता है मुंबड़ा प्रीमियर लीग की ऑर्गेनाइजिंग टीम, उनके चेयरपर्सन इज्जत माब सैयद अली अशरफ साहब, नासिर पठान, जावेद शेख उर्फ जावेद मेडिकल, सादिक शेख, आसिफ खान बंटी, शहजाद शेख, जावेद खान और जीशान शेख को सभी मुबारकबाद के मुस्तैक हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा, मानो ऐसा लग रहा है कि हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हैं। ओह अच्छी गेंद, लेकिन इज्जत बख्शना चाहता वहाँ पर फैयाज शेख ने। फैयाज शेख मुंबड़ा की दुनिया का बड़ा नाम, ये मुंबड़ा शहर बाजू में दिखाया जा रहा है। मोहम्मद अली कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट के ऊपर से, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऐसा लग रहा है कि फैयाज शेख घर से ही सेट होकर आए हैं, जिस तरह की उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। 15 रन हो चुके हैं। ये देखिए शॉट वाइड एंड पनिश्ड, वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा होती हुई। यस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुड्डू खालू प्लीज आपकी पूरी टीम को लेकर थोड़ा सा बाउंड्री के पीछे चले जाए, बाउंड्री के पीछे प्लीज, ग्राउंड के अंदर प्लीज नहीं प्रवेश करना है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं सभी यूट्यूब पर देखने वाले दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, क्या नजारा है मुंबड़ा शहर को दिखाया जा रहा है ड्रोन कैम की आंख से। एनएसटी लाइव दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ, दिन में टेलीकास्ट सोना, रात में सोने पे सुहागा। शहजाद शेख और नासिर पठान को ये क्रेडिट जाता है, काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं पहले ओवर में। मोहम्मद अली, फैयाज शेख जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं मानो घर से ही सेट होकर आए हैं। मोहम्मद अली राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑन द अप खेला, हवा में जरूर है, सेफ लैंडिंग होती भी डिपीश गली में, जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है मुक्ता वॉरियर्स का, 16 रन 59 के लक्ष्य का पीछा कर रही है 5 ओवर में। इसके बाद एलिमिनेटर मुकाबला, उसके देखिए मचिंदर, इस टीम की मैच की हारने वाली टीम को एक चांस और है, बिल्कुल आईपीएल फॉर्मेट है।
इस मैच के हारने वाली टीम को एक चांस जरूर है। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ हो हो क्या शॉट है, उड़ाया 6 रन। एक ओवर में कितने रन दे डाले, 22 रन दे डाले हैं। और हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली की दोनों बैट्समैन के सामने एक ना चली। दिस इज द फंटास्टिक रिप्लाई फ्रॉम मुक्ता वॉरियर, व्हाट अ रिप्लाई। ये आप देख सकते हैं पैक क्राउड, ड्रोन कैमरे से बताया जा रहा है। ये देखिए उड़न खटोला शॉट था। क्या रात है। और ये रात वैसे भी जल्दी ढलने का नाम नहीं लेंगी। जश्न जश्न था सभी जगहों पर। ये जुनून है, ये दीवानगी है। ये देखिए देखना है कि मरता क्या ना करता, किसको गेंदबाजी दी जाती है। बचे हुए 5 ओवर में 4 ओवर में जीतने के लिए 37 रन चाहिए। शाहिद को मोर्चे पे लगाया गया है जो दीवा एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार। ऑन फील्ड अंपायर अंपायर इरशाद शेख और अंपायर मनोज गुप्ता। ये फिर से आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरे से बहुत ही खूबसूरत नजारा मैदान का दिखाया जा रहा है। शाहिद को मोर्चे पे लगाया गया है, सामना करेंगे बैट्समैन फैयाज शेख। कुल मिलाकर 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और बाएं हाथ के बैट्समैन मोहम्मद ने आते ही हाथों को खोला है। बिल्कुल, अभी से हर 6 पे आमिर भाई की तरफ से फैयाज भाई के लिए 200 रुपए की इनामी राशि। शेयर मार्केट और गर्म होगा, इंतजार कीजिए। फील्ड की जमावट दूसरा मैंड एक ही मैंडेट दो मैंडेट दो मैंडेटरी पावर प्ले। ये देखिए शॉर्ट थर्मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर स्क्वायर लेग 37 रन चाहिए। इस तरह का मैच आपको जीतना है तो फिर आपको रेगुलर इंटरवल में विकटे लेना होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे स्क्रीन के पास खड़े बेटा बैठ जाना है, नीचे बैठ के मैच का आनंद ले। थैंक यू। काफी चर्चा चलती हुई वहां पर, और जब खर्चा होगा तो चर्चा होगा ही। यही कारण है कि मुंबड़ा प्रीमियर लीग में खर्चा भी हुआ है और चर्चा भी हुआ है। साइड आर्म गेंद स्वीप जरूर किया था, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी कोई रन नहीं। थोड़ा साइड आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डबल हैट्रिक और 3 हैट्रिक सिर्फ लसित मलिंगा ने लिए हैं लिमिटेड ओवर मैचेस में। शाहिद राइट आर्म ओवर द स्टंप आते हुए फुल टॉस गेंद, बल्ला जरूर चला दिया था, वाइट का इशारा अंपायर का। फैयाज ने भी सोचा था कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, लगा तो मटका नहीं तो झटका। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है। मुक्ता वॉरियर के बल्लेबाजों के काफी तीखे तेवर दिख रहे हैं बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल।
शाहिद फैयाज के लिए रिवर्स शॉट खेला है। वो माय गॉड, क्या जबरदस्त फील्डिंग की है बिलाल ने। अगर गेंद पीछे निकल जाती तो कोई भी खिलाड़ी नहीं था। ये जुनून है, उनको भी पता है कि अगर मैच जीता तो सीधा टिकट फाइनल का मिलेगा। रिवर्स स्वीप की भी अपनी अपनी अलग कहानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। जिम्बाब्वे के कप्तान ने सबसे पहले ये शॉट खेला था, उसके बाद स्विच हिट केविन पीटरसन। छोटी गेंद कट किया, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, बिलाल फिर से एक्शन में, एक रन। देखिए बिलाल वहीं पे फील्डिंग कर रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जॉन्टी रोड्स किया करते थे। एक रन से स्कोर 24 पे पहुंचा है, 24। अब बाएं हाथ के बैट्समैन मोहम्मद कमर कस लिए। यहां पर शाहिद ने भी अभी तक बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ। शाहिद दीवा एंड से आते हुए सामना करेंगे मोहम्मद। एक गेंद पे 6 रन बना के खेल रहे, दाएं हाथ के बैट्समैन है। पहला उन्होंने रिवर्स शॉट खेला था, स्लॉग स्वीप की कोशिश, गेंद पीछे निकल गई है, हाना चलती भी लेकिन वाइट। 1+1, 2 रन स्कोर में आते हुए मुक्ता वॉरियर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 26 रनों पर। 59 के लक्ष्य का पीछा कर रही है मुमरा, प्रीमियर लीग सीजन 9 के ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए। सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। ऑडियंस के बिना तो कोई भी कप अच्छा नहीं रहता और कोई भी लीग। ये मुमरा के क्रिकेट का प्रेम है, शफल करके खेलना चाहते थे, इम्प्रोवाइज तरीके से लेग कटर किया था वहां पर, जाल में फंस गए भाई। सत्तावीस पे पहुंचा है स्कोर। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए शाहिद सामना करेंगे बैट्समैन मोहम्मद। टकटकी बांध के लोग देख रहे हैं, अच्छी गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया ओवर शाहिद का। अभी भी शायद एक गेंद बची है लेकिन 5 अच्छी गेंदे कर चुके हैं। अब कुछ आके समझाया है वहां पर, राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा फुल और पावरफुल 6 रन। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे क्या खींच के मारा है, चाबुक शॉट, फ्रंट लेग को अलग किया, पुल किया, जा रही है आउट ऑफ पार्क, 6 रन।
ये सेलिब्रेशन चल रहा है बाउंड्री लाइन पर, सिक्सर से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है मुक्ता वॉरियर्स का 33 रन दो ओवर की समाप्ति के बाद। अब तीन ओवर में कितने चाहिए, 26 रन चाहिए। ऐसा नहीं कि मुकाबला से जान गई हो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, समय बदलने में देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में देर नहीं लगती और मैच बदलने में देर नहीं लगती। देखना है कि इस ओवर के लिए किसको मोर्चे पे लगाया जाता है गेंदबाजी के। अंजल को लगाया गया है, अंजल आए हैं गेंदबाजी के लिए। आप देख रहे हैं मुंबड़ा प्रीमियर लीग क्रेजी किया ले, दीवाना कर रही है लोगों को और दीवाना वार लोग इस मैदान पे मौजूद है। बहुत ही हसीन रात हमारे वीआईपी डाइस की जीनत को दो बाला कर रहे हैं शहर की मौजूद हस्तियां। देखना है समय लिया जा रहा है वहां पर गेम प्लानिंग का। फैयाज शेख अब सामना करेंगे गेंदबाज अंजल का। अंजल का रनअप बहुत लंबा है, जिस तरह से शुएब अख्तर आते थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे लंबे रनअप से बॉबिलीज इंग्लैंड के गेंदबाजी करते थे और टेस्ट मैच में 325 विकेट ली थी। यन बॉथम ने जब 387 विकेट ली थी तो लग रहा था कि इंग्लैंड की तरफ से ये कीर्तिमान कोई नहीं तोड़ेगा, लेकिन एंडरसन तो 600 के ऊपर चले गए। ये आप देख सकते हैं पैक क्राउड। आज मानो मुंबड़ा में फेस्टिवल चल रहा हो, इसीलिए तो कहा गए होली कॉल अ कलरफुल, दिवाली कॉल अ लाइटफुल, ईद कॉल अ जॉयफुल एंड क्रिकेट कॉल अ वंडरफुल। वंडरफुल क्रिकेट मुंबड़ा प्रीमियर लीग। गेंदबाजी के लिए अंजल लंबे रन अप से मुड़ते हुए, जैसे जैसे रात ढलेंगी ड्यू फैक्टर जरूर काम करेगा, लेकिन अभी तक पिच तो बल्लेबाजी के लिए बहुत साजगार है, हालांकि इसमें गेंदबाजों के लिए भी सहायता है। अंजल चार्ज होते हुए पहली गेंद पल्लू स्ट्रोक खेला, फील्डर है, ओ क्या छूटा, सपना टूटा, दो रन भी बने, हालांकि लंबे कद के फील्डर थे, वहां पर पहुंच नहीं पाए। जब भी स्कूप शॉट खेला जाएगा कोई नहीं भूल पाएगा, T20 का पहला वर्ल्ड कप, मिसबाउल हक का स्कूप, श्री संत के हाथ में गेंद, मानो वर्ल्ड कप। ये सेमीफाइनल जो T20 का हुआ था उसमें स्कूप को शाहीन शाह अफरीदी नहीं भूलेंगे, जब तीन बार उनको बाउंड्री के पीछे भेज दिया। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है अंजल। बदकिस्मत रहे, इस मरतबा मिस की हुआ है, गेंद पीछे सरक रही है, चार रन। देखिए मचेंद्र शॉट तो अच्छा नहीं था लेकिन रिजल्ट अच्छा। अब अंजल क्या करे, दो अच्छी गेंदे की, ये अच्छा बाउंसर था, नेस्टी बाउंसर, ऊपर लगी पीछे सरक गई। और वो जो कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पे पहुंचा है 39। बहुत तेज रफ्तार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन दोनों शॉट इतने एतमाद से नहीं खेल पाए थे फैयाज।
वाकई में मुंबड़ा प्रीमियर लीग में जो 8 टीमें थी उसके जो ये 8 ओनर थे, ये मानो एक हीरे की शक्ल में हीरे का हार बन गए। दो कदम और पीछे से मुड़ते हुए अंजल, राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छा रिदम है उनका। इस मर्तबा गेंद आसमान में, खिलाड़ी उसके नीचे और आउट। पहला विकेट गिरता हुआ और फैयाज शेख वापस आते हुए। ये देखिए काफी शोर उभर रहा है, नए बैट्समैन सतीश बल्लेबाजी को जा रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं, यही कारण था कि उनके अंदर जाने के बाद एक शोर उभरा। दुनिया क्रिकेट में ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं जब अंदर जाते थे तो ऑडियंस स्टैंड से शोर मचाती थी, फिर चाहे एमएस धोनी हो, चाहे शाहिद आफरीदी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे ब्रेन लारा हो। एनएसटी लाइव मुंबड़ा प्रीमियर लीग से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की तरफ बढ़ती हुई। स्कोर है इस वक्त 39 रन, यहां से 20 रन और चाहिए और गेंदे देखे तो हम 15 गेंदे 20 रन। सिद्धि क्रिकेट आप देख रहे हैं मुंबड़ा प्रीमियर लीग में। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा फोर्स किया है, फिर से वही खिलाड़ी, ओ अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। दो रन बनते हुए कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं अंजल, पिच से अच्छा बाउंस और रफ्तार निकाल रहे हैं, हालांकि अपने आप को झोंक दिया था खिलाड़ी ने, कैच तो नहीं था। दो रन स्कोर में और आते हुए 41, थोड़ा मेरे ख्याल से जख्मी हो गए वहां पर वो। देखिए जो हमारे मौजूद मेहमान जो मुंबड़ा प्रीमियर लीग की जीनत को दोबाला कर रहे हैं वीआईपी डाइस पे, फिर से उनका इस्तकबाल है। हमारी तमाम कमेटी जिन्होंने मुंबड़ा प्रीमियर लीग को एक तारीखी लीग बनाया उनके भी हम मशहूर हैं। हमारी तमाम ऑडियंस जिन्होंने पिछले 5 दिनों से हमारा बखूबी साथ निभाया उनके भी हम मशहूर हैं। तमाम टीमें उनके भी हम मशहूर हैं, तमाम टीमों के ओनर्स उनके भी हम मशहूर हैं। अंजल लंबे रनअप से मुड़ते हुए अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं और ज़्यादातर गेंदे गुडलेन पे रख रहे हैं, बैट्समैन को पुल करना भारी पड़ता है। देखिए आप तेज़ गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर और शॉर्ट पिच गेंदे होना चाहिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, कट किया और आउट, एज एंड गॉन। आप अंजल ने कमाल की बॉलिंग की, हैट्रिक पर आ गए हैं और मैच में अब ट्विस्ट आता हुआ। दूसरा झटका यहां पे लगा है जबकि स्कोर है 41 रन। देखिए शहजाद भी मेरे साथ है, शहजाद ये अभी अभी मैंने कहा कि हमारे तमाम मौजूद मेहमान, हमारी कमेटी, हमारे दर्शक, हमारी टीमें, उनके ओनर, एक ही बात कहूंगा, रात इंदौरी कहते हैं कि यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बिल्कुल मैच काफी रोमांचक स्थिति में है दोनों ही टीमें। अंजल हैट्रिक पर, अभी तक हैट्रिक नहीं, बीच में 2 रन बने थे, 2 विकेट लिए, नए बैट्समैन अकबर, मेरे ख्याल से जॉली
बॉयज के लिए खेला करते थे। जॉली बॉयज में अकबर, शारिक और बंटी जो अभी अभी हमारे साथ थे, ये काफी मशहूर खिलाड़ी गुजरे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा मोड़ दिया गया इनको। फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद है, जोखिम बड़ा शॉट खेला था, एक रन बनता हुआ। और देखिए जब आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं तो फिर आपको जोखिम लेना ही होगा, क्योंकि जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों को सलाम करती है। ड्रिंक्स इंटरवल मैदान पे चलता हुआ, पानी, वाकई में जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया। परवेज भाई कमेंट्री बॉक्स में आना है, परवेज भाई जहाँ कहीं भी हो प्लीज ताबड़तोड़ आना है कमेंट्री बॉक्स पे। परवेज भाई, दो ओवर में 17 रन चाहिए। बुमराह का पहला प्रोजेक्ट जहां लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज कमर्शियल कारपोरेट ऑफिसेज भी उपलब्ध होंगे। डीजेड सिटी की 22 मंजिला 3 टावरों में 1-2-3 बीएचके फ्लैट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले दूसरे तीसरे टावर में बुकिंग या इंक्वायरी, इसके बाद जो एलिमिनेटर मुकाबला है वहां पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। डीजेड सिटी मुमरा कौसा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट को सभी एमिनिटीज और लग्जरी से परिपूर्ण है, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर गेम्स और क्लब हाउस शामिल है। मुमरा कौसा के दिल में बन रही है डीजेड सिटी, जहां से आपको मुमरा स्टेशन, एमएम वैली और शील फाटा तक की बेहद एमआरई स्ट्राइकर ने टॉस जीता है और पहले स्पेस के साथ फील्डिंग करने का फैसला। मुमरा का पहला प्रोजेक्ट जहां लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज कमर्शियल कारपोरेट ऑफिसेज भी उपलब्ध होंगे। डीजेड सिटी की 22 मंजिला 3 टावरों में 1-2-3 बीएचके फ्लैट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले दूसरे तीसरे टावर खेल की शुरुआत होती हुई मुमरा प्रीमियर लीग 2021 सीजन 9 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरपर्सन मोहतरम इज्जत माप सैयद अली अशरफ साहब, मोहतरम नासिर पठान, मोहतरम जावेद शेख उर्फ जावेद मेडिकल, मोहतरम सादिक शेख, मोहतरम आसिफ खान उर्फ बंटी, मोहतरम शहजाद शेख, मोहतरम जावेद खान और मोहतरम जीशान शेख, ये वो कमेटी थी जिन्होंने मुमरा प्रीमियर लीग अब तक लाया। गेंदबाजी के लिए साकिब को बुलाया गया है। दो ओवर 17 रन, ये ओवर है ना, ये दोनों के लिए डू और डाई का ओवर है, करो या मरो। क्यों, इस ओवर में साफ हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है, मैच कौन जीतने जा रहा है, कौन सी पहली टीम है जो मुमरा प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंचने जा रही है। यही कारण है कि साकिब को बुलाया गया है, जबकि नए बैट्समैन अकबर और सतीश सामना करने जा रहे हैं। बैट्समैन अकबर, पावर प्ले खत्म हो गया है, नॉन पावर प्ले में अब चार खिलाड़ी सर्कल में नजर आ रहे हैं। कवर है, शॉर्ट थर्डमैन है, शॉर्ट फाइन लेक है और वाइड, लगभग अब वाइडिश मिड विकेट है। खेल की शुरुआत होती भी इंसानी सरो का सैलाब आप देख रहे हैं, मानवीय समुद्र। दीवा एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए साकिब सामना करेंगे अकबर। अकबर खान राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा ड्राइव किया, वाइड ऑफ मिड ऑन, गेंद को सफाई से नहीं पकड़ पाए और स्ट्रोक के साथ ही रन छुड़ाते हुए बल्लेबाज।
11 गेंदे 16 रन, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में बड़े बड़े पंडितों की भविष्यवाणियां सही साबित नहीं हुई। देखिए आप रनिंग मैच में प्लीज मैदान से ना जाएं प्लीज, क्योंकि आपके कॉर्पोरेट से अभी तक मुंबड़ा प्रीमियर लीग में 2 चांद लगे, 3 मैच में कॉर्पोरेट करें 4 चांद लग जाएंगे। शहजादी जो इनाम की राशि आ रही इसका आपको अनाउंसमेंट करना है। यस सर, वो राशि लेके भी वहीं पहुंच रहे हैं। अकबर या सतीश 6 जड़ते हैं तो 500 रुपए धीरज राठौर साहब की तरफ से सतीश के लिए, और अकबर और सतीश आपके लिए इनामी राशि है। अगर आप 1 6 जड़ते हैं तो आमिर भाई की तरफ से 500 रुपए। साकिब इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो 1 रन। आप लगता है कि कमर कस लिए यहां पर एसके वैली ने, आर या पार लड़ेंगे या मरेंगे, कमाल का मुकाबला हो रहा है। गेंदे बची अब 10 और रन चाहिए। पंद्रह कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं, कांटे की टक्कर कश्मकश, क्लैश ऑफ टाइटंस। साकिब मुड़ते हुए देखना है कि डेड बॉल का इशारा, थोड़ा सा सन्नाटा अब छाया हुआ है क्योंकि मैच भी उस मोड़ पे जा रहा है। साकिब अकबर खान के लिए, बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर, बैट्समैन की नींद उड़ाती हुई पहुंची, अब जाकर वाइड, अंपायर ने घोषित किया है। क्रिकेट में कहा जाता है लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, अंपायर को लाइन बिलोंग करती है, चाहे तो वाइड दे चाहे तो ना दे। हालांकि बहुत तेज रफ्तार गेंद थी लेकिन लाइन थोड़ी खराब, 1 रन से स्कोर 45 पे पहुंचा है, 14 रन चाहिए 10 गेंदों पर। एसके वैली को 1 से 2 विकेट चाहिए और 1 से 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए मुक्ता इंटरप्राइजेस, मुक्ता वॉरियर को। साकिब इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन। मूड को बना दिया इस चौके ने, आइए देखते हैं रिप्ले में। अप टू द बैट्समैन फर्मली ट्रेवन पास द कवर पॉइंट, रेसिंग ऑल द वे टू द कवर फॉर 4, डिलाइटफुल स्ट्रोक। अब इक्वेशन आसान होता हुआ और चिंताएं अब बढ़ती हुई यहां पर एसके वैली की, 9 गेंदे 10 रन। सामने जो हमारे बिल्कुल हमारे बीच एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन कार्य सम्राट उपस्थित होते हुए ऑपोजिशन लीडर विरोधी पक्ष नेता माननीय श्री जनाब शानू पठान साहब, वेलकम शानू भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है, सुस्वागतम सुस्वागतम। बहुत बढ़िया गेंद, मोहतरम इज्जत माब शानू पठान साहब तशरीफ ला चुके हैं, एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप में कई कारनामे रखती है, उनका अमी के दिल से इस्तकबाल है। 100 चांद भी चमकेंगे कहाँ बात बनेंगी, तुम आ गए हो तो रात के औकात बनेंगी। शानू पठान साहब आपका अमी के दिल से इस्तकबाल है।
सामने से हट जाना है कमेंट्री बॉक्स के। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, कहानी में ट्विस्ट, आउट हो गए बैट्समैन अकबर खान। सात गेंदों में 10 रन चाहिए, लेकिन इस मैच का जो 7 बारह है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। 7 balls 10 runs, व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला हो रहा है। धीरे धीरे ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा। व्हाट अ मैच, कट टू कट मैच। मोहतरम इज्जत माब अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब अभी हमें हमसे जुड़ चुके हैं, उनका हम फिर से इस्तकबाल करते हैं मुंबड़ा प्रीमियर लीग में। बिल्कुल, मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे शानू भाई। देखिए शहजाद, इस शख्स के बारे में जितना कहा जाए कम है। ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, किसी को हो ना सका मेरे कद का अंदाजा। मैं आसमां हूँ मगर सर झुका के चलता हूँ। खेल की शुरुआत होती हुई मैच अब काफी गर्म हो चुका है। 7 गेंदे 10 रन। सबके चेहरे पे सवाल, कौन सी टीम मुंबड़ा प्रीमियर लीग के फाइनल में जाएंगी, क्या मुक्ता वॉरियर्स, क्या एसके वैली, लेकिन जाएंगी वो जो आसाबी तौर पे मजबूत रहेंगी। साकिब मुड़ते हुए, इस मरतबा पुल, ओ हो हो, तारा मंडल में भेज दिया साकिब को, 6 रन। इसने मारा, क्या शॉट खेला है। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। दूर गगन की छांव में गेंद चली गई, पावर बैक पुल, यू कैन सी देयर ब्यूटीफुली फ्लाइट हाई इन द एयर, गोइंग गोइंग गोइंग, गॉन आउट ऑफ पार्क, यूज इट हाई एंड हैंडसम, 6 रन्स। 6 गेंदे और 4 रन। आप अगर ये कारनामा कोई कर सकता है तो उसको सचिन तेंदुलकर बनना होगा, जिन्होंने हीरो कप में 1996 में ये कारनामा सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने अंजाम दिया था, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सचिन तेंदुलकर को गेंद थमा दी थी। 6 गेंदों में 4 रन बचाए थे। लेकिन यहां कौन तेंदुलकर बनता है ये देखेंगे। देखिए भिवंडी से बहुत मशहूर पर्सनैलिटी इबाद नोमानी साहब ने एसके वैली के लिए, शब्बीर भाई की टीम है, इनके लिए अभी भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑल द बेस्ट का है, आपका अमीर के दिल से इस्तकबाल है इबाद नोमानी। भिवंडी, मुशायरों की जान कहा जाता है इबाद नोमानी को। यस सतीश, अगर एक 6 जड़ते हैं तो गणेश मुंडे साहब की तरफ से 500 रुपये की इनामी राशि। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अंजल, पहली गेंद लॉब कर दिया, लॉन्ग ऑफ पे 6 रन, मैच फिनिश। और फाइनल में पहुंचती हुई यहां पर मुक्ता वॉरियर, कॉन्ग्रेचुलेशन मुक्ता वॉरियर एंड हार्ड लक एसके वैली। यस विक्टो के ऊपर, प्लीज विक्टो के ऊपर चेयर अप नहीं करना है, विक्टो के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विक्टो के ऊपर से दूर हटना है। पप्पू भाई, 2 मैच और बचे हैं, आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्हें विक्टो के ऊपर नहीं रखना है। 3 मैच बचे हैं, यहां से 3 मैच हमें खेलना है, एक एलिमिनेटर का, एक सेमीफाइनल और एक महामुकाबला। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं
दीजिए। शहजाद मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोस टू फैयाज शेख मेट 22 वैल्यूएबल रन। थैंक यू मिस्टर फैयाज शेख, 40 प्लस के हीरो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच के बने हैं हकदार। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मुंबई प्रीमियर लीग, हमारे तमाम जो मान्यवर हैं उपस्थित हैं, मौजूद हैं, अभी अभी जिनकी एंट्री हुई है हमारे सबके लड़के शानू भाई, तीन टावरों में विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब का इस्तकबाल है। टावर में बुकिंग या इंक्वायरी के लिए डीजेड सिटी की पहली ऑफिस पर विजिट करें या दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। डीजेड सिटी मुमरा कौसा का वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है ग्राउंड क्लीन करना है जरा प्लीज वॉलंटियर्स, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर गेम और क्लब हाउस शामिल है। हमारे बीच इमरान सुरमे साहब स्थानिक नगर सेवक उपस्थित हो चुके हैं। जमील सुरमे साहब आपका भी इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। क्या बात है, हमारे पप्पू भाई जिनकी टीम है मुक्ता वॉरियर्स, मुक्ता वॉरियर्स जिनकी टीम है उनके वालिद साहब हमारे खान साहब, उनकी तरफ से 1,000 रुपए की इनामी राशि फैयाज शेख को। पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो सभी एमिनिटीज और लग्जरी से परिपूर्ण है, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर गेम और क्लब हाउस शामिल है। कांग्रेचुलेशन मुक्ता वॉरियर्स, प्लीज सेलिब्रेशन जरा ग्राउंड के बाहर मनाना है क्योंकि और भी मैचेस हैं। गार्डन होगा मुमरा का पहला प्रोजेक्ट, मैन ऑफ द मैच लेकर आना है कमेटी मेंबर्स। डीजेड सिटी की 22 मंजिला मैन ऑफ द मैच 123 बीएचके फ्लैट गिफ्ट टेंपर ट्रॉफी पहले प्लीज लेकर आना है। बुकिंग या इंक्वायरी के लिए डीजेड सिटी की पहली ऑफिस पर विजिट करें या किए गए नंबरों पर संपर्क करें।